पिशाची आउची नाम का एक बंदा था जो कि किसी दुर्घटना की वजह से रेडिएशन की चपेट में आ गया था और उसका बच पाना नामुमकिन था। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि इस दुनिया में यह बंदा सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव ह्यूमन था, मतलब इससे ज्यादा रेडियो एक्टिव के संपर्क में और कोई नहीं आया था। यह स्टोरी बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक है, इतनी कि शायद आप पूरी वीडियो देख ही ना पाओ। जापान में स्थित JCO नाम की एक फैक्ट्री और इसी फैक्ट्री में हुई थी यह दुर्घटना। यह फैक्ट्री खुद तो बिजली नहीं बनाती थी लेकिन दूसरे प्लांट्स जो बिजली बनाते थे उन्हें फ्यूल सप्लाई करने का काम करती थी और यह फ्यूल यूरेनियम के कन्वर्जन से बनाया जाता था और फ्यूल बनाने के लिए सिर्फ 5% यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता था और स्पेशलाइज्ड मशीनों से ही उसे मिक्स करने का प्रोसेस था। पर JCO फैक्ट्री वालों ने स्टेनलेस स्टील की बाल्टी में बंदों को यूरेनियम डालने पर मजबूर कर दिया। यह इलीगल था, गैर कानूनी, लेकिन कभी कोई कुछ बोला नहीं और कभी कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन 1999 का सितंबर महीना कुछ और ही इतिहास बनाने वाला था। फैक्ट्री अपनी शेड्यूल प्रोडक्शन से 2 दिन पीछे चल रही थी, इसलिए फैक्ट्री के मैनेजमेंट से लेकर वर्कर्स तक सबके ऊपर प्रेशर था और इसी वजह से वर्कर्स ने यूरेनियम मिक्स करने वाले प्रोसेस में 4 चांद लगा दिए। मतलब पहले तो उन्होंने मशीन से मिक्स करने वाला काम बंदों को बाल्टी में करने को दे दिया और अब उन्होंने यूरेनियम का परसेंटेज भी बढ़ा दिया था ताकि फ्यूल जल्दी से जल्दी बन सके। और यही नहीं, जो सॉल्यूशन मशीन के थ्रू मेन टैंक में जाना था उसे उन्होंने बाल्टी से सीधा ढक्कन खोल के सीधा डायरेक्ट डालना शुरू कर दिया। भाई पानी का कैंपर भर रहे थे क्या? सुबह के 10:35 ये सॉल्यूशन बिगड़ गया और ब्लू कलर की नीले रंग की एक फ्लैश निकली। वहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स हिशाशी आउची, युटाका योकोकावा और मिसातो शिनारा, ये तीनों रेडिएशन की चपेट में आ गए। इंटरनेशनल सेफ्टी लिमिट की बात करें तो एक बंदा एक साल में सिर्फ 20 मिली सीवर्ट्स का एक्सपोजर झेल सकता है, पर उस दिन आउची को 17,000, शिनोहारो को 10,000 और युकाहामा को 3,000 मिली सीवर्ट्स का छटका लगा। आउची और शिनोहारो को पूरी तरह से उल्टी आने लगी, बार बार वो बेहोश होने लगे और उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। हॉस्पिटल के स्टाफ ने जब आउची को देखा तो उन्हें लगा कि जैसे कि कोई नॉर्मल केस है, बस बॉडी लाल हो रखी थी। बट जब उन्होंने रेडिएशन लेवल चेक किया तो डॉक्टर्स की आंखें फटी की फटी रह गई, जिसे देखते ही डॉक्टर्स वहां से भाग गए। और डॉक्टरों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि यह बंदा अभी तक जिंदा कैसे है। आउची के जब टेस्ट रिजल्ट्स बाहर आए तो डॉक्टरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका DNA पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। एक नॉर्मल बंदे के स्किन सेल्स झड़ती रहती है और उसकी जगह नई सेल्स आ जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे DNA में ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लेकिन आउची का तो DNA ही खत्म हो गया था। रेडिएशन से पहले तक जो न्यू सेल्स बनी हुई थी उसकी वजह से बाहर से देखने पर आउची एकदम सही दिख रहा था, पर थोड़ा बीमार। पर जैसे ही उन सेल्स की लाइफ खत्म हुई तो आउची के डरावने दिन शुरू हो गए। उसके व्हाइट ब्लड सेल्स मानो खत्म से ही हो गए और एक नॉर्मल बुखार भी उसके लिए जानलेवा हो सकता था। उसे एक बेहद ही एडवांस्ड रूम में शिफ्ट किया गया ताकि कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ना हो सके। उसकी नई सेल्स ना बनने की प्रॉब्लम का एक बेहद ही एडवांस्ड सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट के तौर पर लाया गया, क्योंकि और कोई इलाज नहीं था। पेरिफेरल ब्लड सेल्स ट्रांसफर, जिसमें एक डोनर के हेल्दी स्टेम सेल्स को ट्रांसफर किया जाना था, और बेस्ट मैच मिला आउची की बहन का। और यह प्रोसेस करके 10 दिनों का ऑब्जर्वेशन किया गया। आउची दुनिया का पहला ऐसा इंसान बना जिसे यह सेल ट्रांसफर का ट्रीटमेंट मिला और यह सक्सेसफुल भी रहा। आउची की सेहत में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी दिखी, लेकिन रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि यह तरीका ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया। एक हफ्ते बाद उसकी नई सेल्स भी झड़ने लगी और वहीं बाकी उसके नए सेल्स तो बनी नहीं रहे थे। जब मेडिकल टेप को उतारा जाता था तो उसके साथ ही उसकी स्किन भी चिपक के उतर रही थी। हालत इतनी बुरी थी कि उस टेप का भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था। हालत और बिगड़ी और आउची को सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी। बॉडी को दिए जाने वाला फ्लूइड भी उसकी स्किन से बाहर निकलने लगा, क्योंकि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने वाले मेम्ब्रेन खत्म हो चुके थे। उसकी बॉडी से 1 लीटर डायरिया डेली निकलने लगा। अब उसकी बॉडी से ब्लड भी निकलना शुरू हो गया था और इसको कवर करने के लिए उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना शुरू किया गया। कभी कभी तो दिन में 2 बार। वो बहुत ही दर्द में था, इतना दर्द कि वो सोच रहा होगा कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। उसके बाद उसकी बॉडी से डेली 10 लीटर फ्लूइड निकलने लगा और उतना ही फ्लूइड डॉक्टर उसे चढ़ाने लग गए। उसकी आंखों से भी खून निकलता था और उसे सुलाने के लिए उसे हाई लेवल ऑफ नार्कोटिक्स दिए जाने लगे। सोते वक्त भी खून और फ्लूइड निकलता रहता था। वो दर्द में होता था, बहुत ही दर्द में, लेकिन जिंदा था। और अंत में डेली के ब्लड ट्रांसफ्यूजन और IV फ्लूइड की वजह से उसका हार्ट रेट
120 से भी ऊपर की स्पीड में चल रहा था। फिर अचानक से वो रुक गया और उसको इस दर्द से आराम मिल गया। एक मौत की शांति उसके नसीब में आ गई थी। लेकिन वहां के कानून के हिसाब से उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश की गई। उसे 3 बार शॉक दिया गया और उसकी धड़कन चल गई और बेहद तेजी से। और इस ऑन ऑफ की वजह से अब उसके बाकी ऑर्गन्स, दिमाग और किडनी पर बेहद ही बुरा असर पड़ा। लेकिन डॉक्टर्स ने उसे जिंदा कर दिया। हादसे के 81 डेज बाद डॉक्टर्स ने उसकी फैमिली को बुलाया और कहा कि उसे बचा पाना मुमकिन नहीं है और इसीलिए अगर उसका परिवार कहे तो अगली बार दिल की धड़कन रुकने पर उसे दोबारा बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। और अंत में यही हुआ।話するのもこう力がいるっていうかそういう感じだったと思うんですね。2 दिन बाद उसे आखिरकार इतने दर्द के बाद मौत मिल ही गई। तो अब उन डॉक्टर्स ने आउची को एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल किया या उसके परिवार के कहने पर इतनी कोशिशें की गई, इस बात पर कोई एक मत नहीं है। लेकिन हमने एक चीज तो देख ली कि इंसान ने काम और पैसों को कितना ऊपर कर दिया है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पैसे अपनी जगह है लेकिन उसके पीछे इतना पागल भी नहीं होना चाहिए कि हम खुद की या किसी की जान खतरे में डालें। आउची के केस में काम थोड़ा और लेट हो सकता था और वो बच सकता था दुर्घटना से देर भली, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। क्या आप देते हैं? शायद आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा। काफी देर हो चुकी है लेकिन अब आप कर सकते हैं क्योंकि यह था लिमिट से लेस एपिसोड